ऑस्ट्रिचेस में एक प्रेग्नेंट लेडी को लेबर पेन शुरू हो गए, सो दे नीड अ लेडी डॉक्टर, सो वी विल हैव टू दैट्स इट सर, हमारे बंदे निर्मल और मांगी जी के अंदर हैं, ये उन्हीं का प्लान होगा क्योंकि मिलिटेंट्स ने वहां बाहर का खाना अंदर लाने को अलाउ नहीं किया। वहां वाकई हॉस्टेजेस में कोई ना कोई प्रेग्नेंट लेडी होगी, ये डेफिनेटली उनका प्लान। दैट्स वंडरफुल, स्प्लेंडिड सर, हम इसी मौके के इंतजार में थे। मिलिटेंट्स चाहे कुछ भी कहें, आप अपने लक्ष्य से नहीं हटेंगे। इज दैट क्लियर? गुड, आओ इधर आओ। ब्लू सर, चेंज सर, मास्क हैं दोनों के पास? सर, यस सर। गुड, सर ये वही कपड़े हैं जो इन्होंने पहने, जो मिलिटेंट्स ने भी। ग्रेट जॉब सर, ग्रेट जॉब। मेजर, अब यहां से कमान आपके हाथ में है। याद रहे, छोटी सी छोटी गलती भी बहुत महंगी पड़ सकती है। बहुत संभाल कर, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सर, मैं पूरी तरह से तैयार हूं, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। सर, मेरे देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है। दैट्स द स्पिरिट मेजर। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, सी यू सून। थैंक यू सर। ऑलराइट, जय हिंद। जय हिंद। आइए डॉक्टर। I must compliment you. बहुत अच्छी प्लानिंग की है तुम। Thank you, sir. बस ये लोग प्लान को ठीक से एग्जीक्यूट कर दें, that's all. बिल्कुल वैसे ही एग्जीक्यूट होगा जिस तरह तुमने प्लान किया, I'm sure. हाँ सर, प्लानिंग तो मैं ठीक ही करता हूँ, अगर मगर अपनी पर्सनल लाइफ की प्लानिंग ही बैकफायर हो गई। इंदर, अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि पिछली बार मैंने कुछ कहा था और तुम बुरा मान गए। सर, जिसकी लाइफ में इतनी बुराई हो रही है वो आपकी बात क्या बुरा? मैं फिर कुछ नहीं कहूंगा। बट या, आई कैन ऑफर यू सम कॉफी। यस, मैं किसे फोन करूं? सेल्वम। सेल्वम, सेल्वम, टू कॉफीज प्लीज, थैंक यू। लेट्स वेट एंड वॉच।
ए लड़के चल अंदर चल। बहुत दर्द हो रहा है। चुप। अल्लाह के लिए मदद कर दीजिए। एम्बुलेंस? अरे ये एम्बुलेंस कहाँ से आ गई? ये एम्बुलेंस क्यों आई? एक्चुअली मुझे भी कुछ नहीं। हाँ भाईजान एम्बुलेंस आ गई है। हाँ ठीक है आने दो। कौन? और एम्बुलेंस में लेडी डॉक्टर और ड्राइवर के अलावा कोई और हुआ तो तोड़ा देना। समझा? जा। सबा यहाँ क्या कर रही है? मेरी प्लान अप और ऑपरेशन। डॉक्टर सबा भी आ रही है। डॉक्टर सबा? ये भी हमारे कैप्टन है। और अगर ये आई हुई है तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्लान बनाया होगा। बैठ कीजिए। इंटरेस्टिंग। तुम्हें स्ट्रेचर लेना होगा। आओ। सवा यहाँ क्या कर रही है? ये कैसे? इनको डाउन कर दिया। लगता है एक आतंकी मारा गया। ये कैसे? नहीं आ रहा। बिल्लू सिंह का स्टाइल है। ब्रेव और टोटू अल्फा थ्री। ब्रेव और टोटू अल्फा थ्री। सर मुमताज ताजमहल में पहुंच चुकी है। सर मुमताज ताजमहल में पहुंच चुकी है। ओवर एंड आउट। देखिए मैं डॉक्टर हूँ, अब आपको कुछ नहीं होगा। मैं आ गई हूँ ना, मुझे बचा लीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, डॉक्टर साहब आ गई हैं, शांत हो जाओ। सर थोड़ा आराम कर लेते। Have a small power nap, sir. नहीं गोपाल, आराम कैसे करूं? माने जवान वहां पर एक इंपॉर्टेंट मिशन पर हैं और आज की रात बहुत ही क्रूशियल रात है गोपाल। मिलिटेंट्स ने जो डेडलाइन दी है उसकी आखिरी रात है आज। क्यों समझ?
सर कॉफी लेंगे? कॉफी की बहुत सख्त जरूरत है, गर्म कॉफी पिला दो प्लीज। उसके साथ कुछ खाने के लिए सर? नहीं, आई एम गुड, कॉफी। सर आप लेंगे? सर मैं भी कॉफी ले लूँ। ओके सर। सर इफ यू डोंट माइंड एक बात पूछो सर आपसे। पूछो गोपाल। सर ये समन खान कब से आपके पास? समन जब मैं मेजर था तब से। क्यों सर? बस यू ही, जस्ट लाइक दैट। नहीं, जस्ट लाइक दैट नहीं पूछा तुमने। मैं जानता हूं तुमने क्यों पूछा, क्योंकि जमन जमन खान है इसीलिए, isn't it? सर ऐसी कोई बात नहीं सर। ऐसी ही बात है गोपाल, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मुझे जमन पर उतना ही यकीन और विश्वास है जितना अपने बाकी जवानों पर है। Is that clear? सर, और एक और बात, जैसे कई जगहों पर होता है वैसे ही शायद आर्मी में भी कुछ गद्दार हो, मैं उम्मीद करता हूं कि ना हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वो एक ही कौम का या धर्म का या मजहब का हो, कोई भी हो सकता है गद्दार। राइट सर, आइंदा ये बात आपके दिमाग में कभी ना आने पाए। वेरी सॉरी सर, आगे से ऐसा ही होगा। हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक मतलब हमारे दो जवान अंदर हैं। हाँ तो? हाँ तो तीन बार हमारा पलड़ा भाई हम अटैक क्यों नहीं कर रहे? तुम कहना क्या चाहती हो? अरे मतलब हमारे पास सफिशिएंट वेपन्स हैं अटैक करने के लिए, और डार्विन वेटिंग फॉर। स्वाति जी, हम इंतजार कर रहे हैं। किस बात का? सिग्नल का। कौन से सिग्नल का? आर्मी के कुछ सिग्नल्स होते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। एक कोऑर्डिनेशन होता है, हम उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं। हम उन मूर्ख लोगों की तरह नहीं जो अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू करते हैं और बाद में सर पकड़ कर रोते रहे। आपको पता है अंदर वो दो लोग हैं, अगर हमने पहले फायरिंग की तो उन्होंने गोलियां चलाकर उन बेकसूर लोगों को मार देना है, और हमारा टारगेट है उन लोगों को सही सलामत वहां से बाहर निकालना। प्लीज प्लीज कैमरा नीचे रखें। कैप्चर तो कर लो। मेरे पास में आगे से गोली आ सकती है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है। थोड़ी देर के लिए आप चुप रहे जवान। बेटी हो जाओ। एक बात पूछूं आपसे बाऊजी, आप क्यों अब तक जाग रहे हैं? क्योंकि मेरा बेटा जैक जाग रहा है। साहब, मेरे जागने से आपके सोने का क्या कनेक्शन है? जब बेटा परेशान हो, डिस्टर्ब हो, तो आपको नींद कैसे आ सकती है? अब ये बुढ़ा मेरा बाप भी बने। देखो, हम एक दूसरे के लिए न सोने के बहाने बना रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम अपने प्रशांत के लिए परेशान हैं। हाँ साहब, मैं इसलिए वरीड हूं क्योंकि मेरी बेटी जाग रही है। लेकिन साहब आप इसलिए वरीड हैं क्योंकि प्रशांत घर नहीं आया। मेरे लिए आप वरीड नहीं। चलो, एक बात तो साफ हो गई कि हम एक दूसरे की चिंता करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपसे एक बात चाहता हूं।
आपको मेरे पोते से क्या एलर्जी? छोटी छोटी बात पे आप उसे टोकते रहते हैं। आज वो मिशन पर गया है, आप दुआ कीजिए कि वो सही सलामत और कामयाब होकर लौटे। बाबूजी ऐसी बात नहीं है, आपके आने से पहले डैड पीके के लिए डिनर पर प्रे कर रहे थे। हाँ, मैं प्रशांत के लिए प्रेयर कर रहा था ताकि वो सही सलामत घर वापस आए। आफ्टर ऑल मेरी बेटी का हस्बैंड है और मेरा दामाद भी। या ब्रिगेडियर साहब, ये इंडियन आर्मी है, फतेह हासिल करके तो वो जरूर वापस लौटेंगे। ये भी सच है कि कभी कभी जितने चाहते हैं तो वापस नहीं लौटते। मेरा बेटा प्रशांत का बाप वो भी मिशन पे गया था, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। आपकी आंखों में आंसू, ब्रिगेडियर साहब आपने सिर्फ एक पत्थर दिल उस्ताद देखा है, आप नहीं समझेंगे कि जब एक उस्ताद किसी क्रेडिट के साथ सख्ती करता है तो उसे उस क्रेडिट में अपना छोटा भाई या अपना बेटा दिखाई देता है। Have faith in God. हमारा प्रशांत बिल्कुल सही सलामत घर वापस आएगा। Trust me. माफ कीजिए, मैं आज ये पत्थर दिल उस्ताद जज्बाती हो गया। आएगा, आएगा जरूर वापस। देखिए ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत देर कर दी है, इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। जल्दी उठाने औरत को। जनाब मैं मदद कर दूं के? बहुत मोहब्बत चल रही है तुझे, बैठा रहा वहीं। Thank you.
ओए, सब ठीक है? ब्रेवो टोटू अल्फा थ्री सर, परिंदे के पर काट दिए हैं सर, परिंदे के पर काट दिए हैं। ओवर एंड आउट, ओवर एंड आउट। ये सब मेरी वजह से हुआ, जस्ट हैपेंड बिकॉज ऑफ मी। मैं ही इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पाई, लाइव कवरेज शूट करना चाहती थी और इसी चक्कर में आगे चली गई। मुझे तो आगे से आती हुई बुलेट दिखी नहीं, पता नहीं गैरी ने कब देख लिया। मुझे बचाने के लिए जैसे ही आ गया बस गोली नहीं लगती। ये पहली लड़की देखी जिसको गोली दिखता है? मैडम गोली देखता नहीं है, सीधा लग जाता है और बाद में पता चलता है कि गोली लग गया।